जो वर्कशॉप थी या मेरी नॉलेजेबल थी मेरे लिए, उसमें छोटी मोटी जो भी मुझे कन्फ्यूजन होती थी फार्मूलाज के अंदर, डेटा को मैच करने के अंदर, 3 दिन की वर्कशॉप थी, तो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रही फ्यूचर में। ये वर्कशॉप बहुत अच्छी रही। इवन इस वर्कशॉप में जो मेरी बेसिक जो गलतियाँ थी वो भी करेक्ट हुई, मैंने बहुत कुछ सीखा इससे। इवन जो मैंने स्टार शीट या मार्केट सेगमेंटेशन में जो मुझे हमेशा से कन्फ्यूजन थी वो आज जाके रिजॉल्व हुई। और ये जो है एक्सेल जो है वो वाकई बहुत एक हेल्पफुल है, जिसकी वजह से हम अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कम वक्त पे कर सकते हैं। पाइवोट टेबल के बारे में सीखा था और स्लाइसर। पाइवोट टेबल बेसिकली क्या चीज़ है, हमें मार्केट सेगमेंटेशन करने में काम आता है। जैसे हमारी अमेज़ॉन जर्नी में हम लोग मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं और स्टार्क शीट बनाते हैं, तो उसमें ये हेल्प करता है पाइवोट टेबल। और तीसरे दिन आज हमने सीखा वी लुकअप और एच लुकअप, बेसिकली हॉरिजॉन्टल लुकअप, वर्टिकल लुकअप, इसके बारे में पहले कुछ नहीं पता था मुझे, और हाइपरलिंक के बारे में भी सीखा। तो काफ़ी सबसे बेसिक चीज़ है, आपको कोई भी काम करना हो, आप किसी भी डोमेन से रिलेटेड हो, कहीं से आपको शीट्स की जरूरत पड़ती है, आपको फॉर्मूलाज में प्रॉब्लम होती है, तो एक्सेल की इस तरह की वर्कशॉप बहुत ज़रूरी थी। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप किसी से पूछ भी नहीं सकते, और लोग जो है वो काफ़ी इरिटेटेड भी होते हैं, उसको सर्च करते हैं तो नहीं मिलते। तो इस वर्कशॉप से हमें इन चीज़ों का फ़ायदा हुआ कि वो सारी बेसिक नॉलेज हम लोगों को मिली एंड इट्स वेरी यूजफुल। था बहुत सारी चीज़ें हमें नई सीखने को मिली। पाइवेट टेबल जो था वो उसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हमें मिली है और काफ़ी अच्छा सीखने को मिला। इन्फॉर्मेटिव सेक्शन थे, काफ़ी मालूम मिली मुझे, यहाँ से काफ़ी कुछ मैंने यहाँ से सीखा।